पूरे दो साल दिन रात एक करने के बाद भी जब यूपीएससी एस्पिरेंट दिव्या प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाती, अपनी कोचिंग पे विजिट पे आए आईएएस ऑफिसर से पूछती है, सर मैंने अपनी जिंदगी के पूरे दो साल यूपीएससी को दे दिए, दिवाली हो, होली हो या जन्माष्टमी, हर त्योहार मैंने सिर्फ पढ़ाई की, फिर भी आज रिजल्ट नहीं आया, क्या ही मतलब है इतनी सारी मेहनत करने का जब रिजल्ट दिखते ही नहीं। और आईएएस ऑफिसर मुस्कुरा के बोलता है, तुमने चाइनीज बांबू ट्री की कहानी सुनी है क्या? ऐसा कहा जाता है कि जब किसान इस बांबू के बीज बोते हैं तो उन्हें हर दिन उसका ख्याल रख उसको पानी और खाद डालनी पड़ती है, लेकिन पूरे 5 साल तक ये पेड़ 1 सेंटीमीटर भी जमीन के बाहर नहीं आता, और अगर तुम एक भी दिन चुक गए तो वो पौधा मर जाएगा। सोचो 5 साल लगातार परिश्रम करने के बाद भी 0 रिजल्ट्स, लेकिन 5 साल बीतते ही ये बांबू का पेड़ अब सिर्फ 5 हफ्तों में 90 फीट का हो जाता है। वो हर यूपीएससी जेडब्ल्यू या नीट एस्पिरेंट को उस किसान की तरह हर रोज अपना कर्म करना है और धैर्य रखना है, क्योंकि एक दिन तुम्हारी भी मेहनत से बोया हुआ पेड़ जमीन फाड़ के निकलेगा।